हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने वाला हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी ड्राइंग को जस्ट स्टार्ट किए हैं, या जो कुछ मंथ पहले ही यह अपने ड्राइंग या स्केच को स्टार्ट किए हैं। तो गाइस, आज से 2 साल या 3 साल पहले मैं किस तरह का मैं ड्राइंग बनाया करता था, और गाइस अभी मैं किस तरह का मैं ड्राइंग अभी मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर अभी मैं ऐसा ड्राइंग कर रहा हूँ और इसे मैं रेगुलर अगर मैं उसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो गाइस आपकी भी ड्राइंग ऐसी हो सकती है। बस आपको कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेली स्केच करना है, या डेली जो ड्राइंग जो प्रैक्टिस होती है, जो बेसिक जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी करनी है। सेकंड कि आपको उसके जो ड्राइंग का जो प्रिंसिपल या जो कंसेप्ट होता है, जो इसका बेसिक जो थ्योरी होता है, वो गाइस वो आपको आना चाहिए। और थर्ड गाइस कि आप में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस भी गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो जल्दी जल्दी कोई वर्क करते हैं तो गाइस आपका वो जो आप पेंटिंग में जो आप काम कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा अगर आप पेशेंस के साथ नहीं काम कर रहे हैं तो। और गाइस, उसके बाद फिर आपको रोज़ कुछ नया कुछ सीखने के लिए कुछ मिला। तो गाइस, इस पे मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाइस, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैं पहले स्केच करता था और अभी मैं किस तरह से स्केच कर रहा हूँ। बस अंतर 2 या 3 साल का अंतर है। तो गाइज आइए, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात गाइज, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। आज से 5 महीना बाद या 6 महीना बाद ऐसा मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसलिए गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर भी गाइज आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके, यू आर ओनली ह्यूमन। देयर सम थिंग्स यू कैन डू एंड सम थिंग्स यू कांट। राइज, गेट अप, गेट अप, मूव। योर बेस्ट is one step away. तो गाइज, ये मेरा 2 डायरी जिसमें मैंने बेसिक प्रैक्टिस की है और कार्टून पिक बनाया है जब मैं बिल्कुल फ्रेश था। और ये एल्बम A3 साइज की, A4 साइज की, और ये 2 मेरी डायरी जिसे मैं बेसिक प्रैक्टिस की है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये फर्स्ट डायरी स्टार्ट करेंगे जो कि साइज में थोड़ी छोटी है, और ये वाली है जो कि साइज में थोड़ी छोटी है, बट मैं इसी से मैं प्रैक्टिस किया करता था। और गाइस, मैं पीछे से इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो और ये इसे खोलते हैं। तो गाइस, ये सबसे पहली पिक यहाँ पर आर्ट बाय भास्कर कुमार, और जिसे मैंने पहली बार बनाया था। और ये मेरी सेकंड पिक है, और ये मेरी थर्ड पिक है, और ये एक सीन जो मैंने एक बनाया था उसमें मुझे नहीं मालूम था कि क्या वॉल्यूम होता है, क्या ओवरलैपिंग होती है, क्या स्केल होता है, बस मैं उसे बना देता था। और गाइस, ये सब मैंने गूगल से डाउनलोड करके बनाया करता था। ओनली यही सब इमेज को देखकर मैं इसे कॉपी करता रहता था। और गाइस, ये देखिए, और ये देखिए, और ये मैंने गर्ल्स, और एक ये देखिए मैंने एक ये बनाया था। और ये मैंने फर्स्ट टाइम एक बाहुबली का बनाया था, उस समय मैं फ्री हैंड ही बनाया था। क्या ग्रिड मेथड होता है, क्या लूमिज मेथड होता है, मैं कुछ नहीं मालूम था, बस उसे बना देता था। और उस समय मैंने कुछ आर्ट के बारे में पढ़ा, कुछ आर्ट के क्या हिस्ट्री होते उसके बारे में पढ़ा, और जितने में जो डाउट थे वो सब सारे मेरे क्लियर हो गए। और तभी मैं यही सब बनाया करता था जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। बस इसी को मैंने प्रैक्टिस करते 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 अपने आर्ट काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, उसके बारे में काफ़ी पढ़ा। और गाइस, ये सब मैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने सीखा है और किस तरह से मैं आपको इससे जो मेरा चैनल है मैं आपको बताऊँगा।
एक एक करके मैं आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और गैज ये मेरी जो सेकंड डायरी है जिसे मेरे कुछ आर्ट इम्प्रूव हो गए थे, तो ये देखिए कुछ आर्ट में इम्प्रूव हुआ है तो, और ये देखिए, और ये मेरे कुछ बेसिक में मेरी प्रैक्टिस हैं, और ये फिर, और एक तो ये, और फिर ये मैं धीरे धीरे मैं इसे प्रैक्टिस करते गया। फिर एक पोर्ट्रेट बनाने की मैंने कोशिश की और ये कुछ लाइंस की प्रैक्टिस, फिर एक ये सब मैंने पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की है ये, फिर एक ये कुछ लाइव स्केच भी करता था, फिर एक ये, फिर ये मेरे कुछ लाइंस प्रैक्टिस है, फिर एक ये, और फिर एक मैंने ये ऐसा बनाया, फिर ऐसा। मैं धीरे धीरे मैंने इसे प्रैक्टिस करते गया। यहाँ पे वन पॉइंट परस्पेक्टिव मैंने इसे एक बार ट्राई किया था, और फिर ये मैंने फर्स्ट टाइम एक रियलिस्टिक आईज मैंने बनाने की मैंने कोशिश की थी, और ये बनाया एक नोज बनाने की कोशिश कर रही थी, और ये सेकंड टाइम मैंने एक आईज बनाने की कोशिश की थी जो कि ऐसा बना था, और ये फर्स्ट टाइम मैंने कुछ और इम्प्रूव किए। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम विराट कोहली का पिक बनाया था, और ये सब कुछ प्रैक्टिस। और गाइस ये मैंने सलमान खान का, और गाइस देखिए यहाँ पे कार्बन कॉपी, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि फिक्सेटिव यूज होता है, बट अब मेरे पास है और मैं इसे अब यूज करता हूँ। और उसके बाद ये ऋतिक रोशन, और ये सलमान खान फिर से मैंने, और ये टाइगर श्रॉफ, और ये शाहरुख खान, और ये शाहरुख खान, ये योहनी सिंह, ये ऋतिक रोशन, ये शाहिद कपूर, और ये सलमान खान जो मैं आधा बना छोड़ दिया, ये भी सलमान खान। और ये मैंने एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी बट ऐसा बना, और ये फर्स्ट टाइम मैंने रणवीर सिंह की स्केच बनाई थी, ये भी एक पोर्ट्रेट है। और ये एम एस धोनी जिसे मैं बनाया, ये आयरन मैन जिसे मैं बनाया, ये प्रभास, अल्लू अर्जुन, और कुछ ऐसा ये रोमन रिंग्स बनाने की कोशिश की थी, और ये टू पॉइंट का मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, और ये सब कुछ आउटलाइन है जिसे मैं बना के छोड़ दिया, और ये कुछ ये बना रहा था टू पॉइंट, ये महेश बाबू, और ये अक्षय कुमार, और ये सेकंड टाइम प्रभास में बना रहा था, और ये कुछ लाइंस की प्रैक्टिस है, और देखिए ये आउटलाइन है, फिर एक ये, और फिर कुछ मेरी लाइंस की प्रैक्टिस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइंस की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट, क्या लाइट होता है, क्या शेडो होता है, वो सब आपको गाइस आपको आनी चाहिए। और गाइस अब स्टार्ट करते हैं जो कुछ और इंक्रीज हुआ, ये मेरा A4 साइज का एल्बम है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मैंने फर्स्ट टाइम कुछ मैंने कुछ सामान मैंने परचेस मैंने कर लिया था, उस समय से मैं बनाया था मायस्टिक स्केच। तो गाइस फर्स्ट टाइम मैं टू कुछ इम्प्रूव हुआ तो कुछ ये बनाया था, और एक फिर पोर्ट्रेट में बनाया लगा देख देख कर। ये जितने भी जो सारी गाइस ये पोर्ट्रेट है, इसका ओरिजिनल पिक से कम 70% 80% इसे मैच करते हैं। मैंने सब इसे फ्री हैंड बनाने की कोशिश की है, और गाय उस समय मुझे शेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या लाइट होता है, क्या शेडो, क्या डार्क होता है, क्या मिडटोन होता है, बस गाइस इसे मैं बना देता था। अगर गाइस अगर आप भी ऐसा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसी करके आप लोग सीखेंगे जिस तरह से मैंने सीखा है। इस तरह का ये देखिए कुछ लाइन्स के प्रैक्टिस हैं, और ये देखिए इसमें ये कुछ ठीक बना, और ये आप देख सकते हैं, और फिर एक ये हो गया, फिर ये सलमान खान मैंने कुछ प्रैक्टिस की तो ऐसा बना, सुभाष चंद्र बोस, फिर ये, फिर एक मैंने ऐसा बनाया। जितनी भी गाइस ये कुछ लैंडस्केप का कुछ मैंने प्रैक्टिस की थी, और एक तो इधर है और एक तो ये है, ये मैंने कुछ 3D में बनाने की कोशिश की थी। और गाइस ये एक चेहरा, और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं इतनी इम्प्रूव होने के बाद गाइस एक तरह का एक रियलिस्टिक आईज मैंने बनाई थी उस समय, जो कि काफ़ी बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। और ये कुछ नोज बनाने की, और ये बीएड बनाने की कोर्सेस, और ये गाइस फर्स्ट टाइम वाटर कलर, और ये मैंने DJ आलोक जो कि फ्री फायर के हैं, और फिर उसके बाद ये जो 4M हो गया था कंप्लीट सौरभ जोशी का उस समय, फिर एक मैंने आईज ये बनाई थी। तो गाइस ये सब जितनी मैंने बनाई है सब फ्री हैंड मेरी बनाई हुई है, ये मेरी A4 साइज की है। और गाइस अब स्टार्ट करते हैं जो कि मैं ज़्यादातर मैं बनाता हूँ वो है A3 साइज। इसमें बनाने में गाइस काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, एक बड़ा साइज रहता है, और इसमें कुछ सीखने के लिए मिलता है।
तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट जो A3 साइज की मैंने ये बनाया थी, ये मैं अब मेरे फ्रेंड्स हैं और गाइस ये मैं हूँ, अरे मेरे मम्मी है, ये मेरी दीदी है। मैंने इसे मैं सेकंड टाइम बनाया था और गाइस एक फिर लॉकडाउन, ये जितना ही बना हुआ है गाइस सब लॉकडाउन में बना हुआ है। फिर एक ये रियलिस्टिक टाइगर, फिर एक 3D एक स्केच बना हुआ है, फिर गाइस एक ऐसा, मतलब इम्प्रूव करते करते काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है गाइस। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए गाइस आपका भी स्केच काफ़ी प्रैक्टिस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। बस खाली आपको ये करना है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी और इसके बारे में पढ़ना, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। जब तक आपसे एक बेसिक कंसेप्ट नहीं जानिए तो गाइज तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गाइज आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, उसका एक्सरसाइज जो होता है वो भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। और गाइज जिस तरह से मैं आपको अपने ओपिनियन बता रहा हूँ गाइज, इसी तरह से सेम टू सेम आप पर भी लागू होगा। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गाइज ये कैरीमिनाटी, और ये गाइज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मिथिला आर्ट मैंने बनाया था, मधुबनी पेंटिंग। मैंने आपको सारे स्केच दिखा दें, ये तो कुछ मेरे कम जो मेरे जो कलेक्शन जो किए हुए हैं, और गाइज कुछ मेरे कमीशन वर्क थे मैंने उनको बना कर दे दी जो कि टोटली पेड आर्ट वर्क थे। और गाइज कुछ स्केच मैंने उससे फ्रेम मैंने कर दिया हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अगली वीडियो में। और गाइज जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो गाइज अगर जो बिगिनर है उनके लिए खास है कि अगर वैसा अगर वो भी अगर ऐसा स्केच बना रहे और धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं तो गाइज बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो गाइज एक बेसिक से लेके आप एडवांस में आप जा सकते हैं, बस आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की करनी है, जैसा कि मैंने की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज मैंने आपको जितने भी मैंने 2-3 साल पहले बीच में मैं जितने भी मैंने स्केच बनाए वो मैं आपको सारी मैंने दिखा दिया हूँ। और गाइज कुछ कुछ मैंने एक्सरसाइज भी आपको दिखाया था, तो गाइज वैसा भी आपको करना है जिसपे आपको काफ़ी जो स्केच जो आप बनाए तो काफ़ी इम्प्रूव और लगे और आपको आसानी लगे किस तरह से शेडिंग करते हैं, किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं वैसा गाइज। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी जो मैंने आपको जो दिखाया अगर आपने काउंट किया हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या जो फोटो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो और आगे चल के मिले। और गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Do practice, do improve, take care, bye bye.